सोलन शहर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सोलन वासियों और व्यापारियों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। कई शहरवासी मांग कर रहे हैं कि कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया जाए। वहीं कुछ व्यापारी मांग कर रहे हैं कि दुकानों को 6 बजे तक ही खोलने के निर्देश दिए जाएं। इस तरह की मांग से ये स्पष्ट है कि सोलन शहरवासियों में कोरोना को लेकर दहशत बढ़ती जा रही है और आज के समय में व्यापारी व्यापार से ज्यादा अहमियत अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को देना चाह रहे हैं। इन मांगों को लेकर उपायुक्त सोलन से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने सोलन की जनता को संदेश दिया कि वे डरे नहीं बल्कि एहतियात रखें, कोरोना किसी को छू भी नहीं पाएगा। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि अभी कर्फ्यू के समय में कोई भी बदलाव की संभावना नहीं है क्योंकि सोलन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने सोलन की जनता से आग्रह किया कि वे केवल कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियां बताई जा रही हैं उसका ख्याल रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं और मास्क जरूर लगा कर रखें। उन्होंने सभी शहरवासियों को जागरूक रहने का आह्वान किया और साथ ही बाहरी राज्य से आने वाले लोगों से दूरी बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम ये सावधानियां अपनाते हैं तो कोरोना हमारे आसपास भी फटक नहीं सकता है। व्यापारी इससे वो भी बहुत डरे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जो समय 8 बजे बंद होता है तो उससे जल्दी हो जाए, 6 बजे 6:30 बजे, तो इस पर भी कोई विचार किया जा सकता है? इसमें कोई ऐसी नहीं है क्योंकि ऐसा ना हम अच्छे के ये व्यापारी का ऐसा कुछ नहीं है और अभी हमारा टाइम शेड्यूल चेंज करने का ये नहीं है। अभी हमारा पूरा हिमाचल में स्थिति सोलन जिले में बिल्कुल नियंत्रण में है। लोगों का पूरा सहयोग अब हमें चाहिए और सहयोग साथ आगे बढ़ते हैं। हर एक आदमी हर एक प्रचार प्रसार करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और नियत समय पर हाथ धोएं और मास्क मुंह तो बिल्कुल ढक के रखे जब बाहर रहे। ये अगर सावधानियां बरतेंगे तो कोरोना आप तक पहुंच ही नहीं सकता।